फ्रेंड, आज हम एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी मुंह में घुल जाने वाला दही भल्ले का रेसिपी शेयर करते हैं। इसको दिल्ली में दही भल्ले और यूपी बिहार झारखंड में दही बड़ा बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए हम 2 कप उड़द का दाल लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से धोकर 4 घंटा फूलने के लिए छोड़ दिए थे। अब हम इसका सारा पानी निकाल लिए हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बनाते हैं। इस तरह इसको मिक्सी के जार में डालते हैं और इसका दरदरा पेस्ट बनाते हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें पानी डालेंगे। दाल को पीस लिए, अब हम इसको दूसरे बाउल में निकालते हैं। और बचा हुआ जो दाल है उसको भी इसी तरह हम पीस लेते हैं। सारा दाल को पीस लिए। हमको दाल को पीसने में 1 चम्मच पानी लगा है। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिए। देखिए एकदम ये हल्का हो गया है। थोड़ा सा बैटर पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए तैर कर ये ऊपर आ गया। अब ये बैटर अच्छी तरह से फेंटा गया है। अब हम इसमें कुछ मसाला डालते हैं। मसाला में हम 1 छोटा इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, जिसको हम एकदम बारीक बारीक कट कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च लिए हैं, इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब अदरक और हरी मिर्च को इसमें डालते हैं। और 1 चम्मच नमक लिए हैं, इसको भी इसमें डालते हैं और इसमें इस तरह मिलाते हैं। और चुटकी भर हम हींग डालते हैं और इसको भी इसमें इस तरह मिलाते हैं। अब हम इसको तलते हैं। बड़ा तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल डाल दिए। अब हम थोड़ा सा बैटर डालकर चेक कर लेते हैं। ये तैर कर ऊपर आ गया। अब ये दही बड़ा तलने के लिए रेडी है। अब हम 1-1 कर दही बड़ा डालते हैं। दही बड़ा तलने के लिए हाथ में पानी लगाते हैं और थोड़ा सा दाल उठाते हैं और इस तरह इसको तेल में डालते हैं। दही बड़ा तलने के लिए गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। इस तरह दही बड़ा डाल लिए। अब हम इसको पलट देते हैं। और इसको उलट पुलट कर हम गोल्डन होने तक तलते हैं। इस तरह इसको उलट पुलट कर चारों तरफ से गोल्डन होने तक तलते हैं। दही बड़ा चारों तरफ से गोल्डन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। शेप का दही बड़ा बनाते हैं। इसके लिए हम हाथ में पानी लगाते हैं और हथेली में भी थोड़ा सा पानी लगाते हैं और थोड़ा सा दाल उठाते हैं और इसको इस तरह इसको हाथ उंगली से चपटा कर देते हैं और बीच में इस तरह गड्ढा कर देते हैं और इसको इस तरह उठाकर और डायरेक्ट इसको तेल में डालते हैं। इस तरह दही बड़ा डाल लिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड से सिकने देते हैं। अब ये एक साइड से
थोड़ा सिक गया है, अब हम इसको पलट देते हैं। और इसको उलट पुलट कर गोल्डन होने तक तलते हैं। अब ये चारों तरफ से गोल्डन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह सारा दही बारा तलकर रेडी करते हैं। दोनों तरह का दही बारा तलकर रेडी कर लिए, अब हम इसको हल्का गुनगुना पानी में डालते हैं और इसको ढककर हम एक घंटा के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं। हो गया है, अब दही बारा को हाथ से इस तरह निचोड़ निचोड़ कर पानी से अलग करते हैं और इसको दोनों हथेली से इस तरह प्रेस कर कर पानी इसका निचोड़ते हैं। सारा दही बारा को पानी से अलग कर दिए। अब हम 2 कप दही लेते हैं और इसको इस तरह फेंटते हैं। दही को फेंट लिए, अब हमको जितना दही बारा सर्व करना है उतना दही बारा हम प्लेट पर रखते हैं। इस तरह दही बारा को प्लेट पर रख दिए, अब इसके ऊपर हम दही डालते हैं। दही डाल दिए, अब इसके ऊपर धनिया पुदीना का चटनी डालते हैं और खजूर इमली की चटनी डालते हैं इसके ऊपर। खजूर इमली की चटनी डाल दिए, अब इसके ऊपर हम भूंजा हुआ जीरा पाउडर डालते हैं और साथ में काला नमक डालते हैं और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। सेब का दही बड़ा या दही भल्ले रेडी हो गया है। ये अंदर से एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।